करौली सरकार में कोई असर नहीं है, वो तो ढोंगी है, मार नाटक करता है। महादेव का अपना विशेष स्थान है, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई संत उनका स्थान नहीं ले सकता है। क्रिमिनली करते करते जमीन हथिया ली, जमीन हथिया के अपना ढोंग रचा लिया। ये एक व्यक्ति बोल रहा है, आगे और बोलेंगे, इस प्रकार की बातें और नहीं बढ़नी चाहिए। करौली सरकार में कोई असर नहीं है, वो तो ढोंगी है, मार नाटक करता है, चार चार गुंडे बुला लेता है और नाटक करते हैं, फिर उनको सही कर देता है। बाबा के बारे में क्या कहना है आपका? बाबा के बारे में क्या है, तो क्रिमिनल रहा है पहले से, क्रिमिनल ही करते करते जमीन हथिया ली, जमीन हथिया के अपना ढोंग रचा लिया और इतना बड़ा महल तैयार कर लिया और सारे लोगों को लूटता है। बाबा पूजा के नाम पे 2.5 लाख रुपए लेते हैं, इसका क्या कहना आपका? अरे बाबा तो क्या 5 लाख लेने लगे, उनको कोई भरोसा? जो बड़े बड़े आदमी यूट्यूब पे देखते हैं उसके बाद उनके यहाँ आते हैं, तो वो तो पैसे वाले आदमी आते हैं, पैसे वाले आदमी हैं तो चाहे 2.5 लाख लें चाहे 5 लाख लें। बाबा के अपने लोगों के साथ बैठ के पूजा करते हैं? अपने लोगों के साथ बैठ के पूजा नहीं करते, बाबा अकेले में पूजा करते हैं कमरे में बंद होके। मुकदमे लिखे हैं बाबा को कितने? मुकदमे तो ये जो लिखे हैं वो कम हैं, बाबा का देखा जाए तो इनके ऊपर कई मुकदमे हैं, दो दो मर्डर के मुकदमे हैं और कई इन्होंने क्राइम किया। अपने किसान नेता थे, इनके रिश्तेदार उनको मार के अपना किसान नेता बन गया था। दास, माता श्री वैभव लक्ष्मी मंदिर से हूँ और जो आपका प्रश्न रहा है कि जो करौली बाबा इस समय वर्तमान में कई प्रकार के अधार्मिक असामाजिक कार्य कर रहे हैं, देखिए जो भी इस पद पर बैठता है, इस पद की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसकी अपनी मर्यादा होती है। यदि लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, हमें एक धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म का आचरण करें, क्योंकि आचार्य वही होता है जो आचरण करे। यदि उनमें आचरण नहीं होएगा तो फिर वो किसी प्रकार से धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। करौली धाम शंकर जी के नाम से अपने तो शंकर जी का बताते हैं कि मेरे ऊपर शंकर जी आते हैं, इलाज करते हैं, 2.5 लाख रुपए लेते हैं। देखिए महादेव का अपना विशेष स्थान है, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई संत उनका स्थान नहीं ले सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो बयान है कि वो अपने आप को शंकर जी कहें, अपने आप को महादेव कहें, इस बात का खंडन करना चाहिए, इसको किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बयान जितने समाज में और बढ़ते जाएंगे, ये एक व्यक्ति बोल रहा है, आगे और बोलेंगे, इस प्रकार की बातें और नहीं बढ़नी चाहिए और धर्म के अनुसार कार्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।